ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के डिग्री कॉलेज अनु में भारत वर्ष में समाज शास्त्र के 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज शास्त्र विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर सतीश शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। संगोष्ठी में समाज शास्त्र विभाग के बच्चों सहित अध्यापकों ने भी भाग लिया। हमीरपुर के डिग्री कॉलेज अनु में भारत वर्ष में समाज शास्त्र के 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज शास्त्र विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर सतीश शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। संगोष्ठी में समाज शास्त्र विभाग के बच्चों सहित अध्यापकों ने भी भाग लिया। संगोष्ठी के दौरान डॉक्टर अमरजीत अत्री ने कहा कि भारत वर्ष में समाज शास्त्र के 100 वर्ष पूरे होने पर डिग्री कॉलेज अनु में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत वर्ष से आए हुए लोगों ने समाज शास्त्र से संबंधित अपने विचार रखे। संगोष्ठी में लगभग 90 के करीब प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला हमीरपुर में लगभग 775 के करीब बच्चे कॉलेज में समाज शास्त्र पढ़ते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चों को समाज शास्त्र विषय में काफी रुचि है। भारतवर्ष में समाज शास्त्र के 100 वर्ष पूरे होने पर जो है वो मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में जगह जगह हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश समाज शास्त्रीय जो सोसाइटी है उसके तहत ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें कि हमारे साथ कोलेबरेटरी पार्टनर जो है निविसा जो है नॉर्थ वेस्ट इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है, इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है। तो पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर अपने अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए आए हैं। लगभग 90 के करीब जो है पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए हैं, जो अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे समाज शास्त्र के विकास से संबंधित जो हमारी एक यात्रा रही है। समाज शास्त्र को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इसको हम भविष्य में और अधिक फेमस कर सकते हैं, इस संबंधित हमने एक प्रयास किया है और उस प्रयास में हम लगभग काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, क्योंकि हमीरपुर एक ऐसा कॉलेज है जो कि हिमाचल प्रदेश का एक छोटा जिला होने के बावजूद यहाँ पर लिटरेसी रेट हाई है, और इसी कारण हिमाचल प्रदेश में समाज शास्त्र के सबसे अधिक छात्र जो हैं वो पढ़ते हैं। मतलब 750 से ऊपर विद्यार्थी जो है समाज शास्त्र में यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये चीज़ ये दर्शाती है कि विद्यार्थियों का समाज शास्त्र के प्रति काफ़ी रुचि बढ़ी है, क्योंकि जितनी भी हमारी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें समाज शास्त्र एक ऑप्शनल विषय के रूप में लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और अब तो हमारे चाहे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बड़े बड़े जो हमारे भारतीय स्तर के जो इंस्टीट्यूट हैं, IITs हैं, IIMs हैं, AIIMS हैं, वहाँ पर भी समाज शास्त्र पढ़ाया जाता है, तो बच्चों की रुचि बढ़ती जा रही है। तो उस वही हमारा एक प्रयास है कि बच्चों में समाज शास्त्र का जो एक फैलाव हो रहा है उसके बारे में बच्चों को हम जागरूक करें और अधिक से अधिक छात्रों को इसके साथ जोड़ें। तो यही हमारा एक प्रयास है, और उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर का जो है एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि हमारे विभाग के पूर्व में रहे हुए प्रोफेसर डॉक्टर सतीश शर्मा जी अध्यक्षता उसकी कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में, इवन कि हमारे पूरे राज्य में जो है, लोग समाज शास्त्र के बारे में जानें। जो एक मिथ बनी हुई है, एक परसेप्शन बनी हुई है कि नहीं, समाज शास्त्र तो कुछ भी नहीं है, ये तो केवल मात्र शादी विवाह, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम मनुष्य को नहीं समझ पाएंगे, मनुष्य के व्यवहार को नहीं समझ पाएंगे, तो हम जीवन को सुंदर नहीं कर सकते। और जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम एक दूसरे के व्यवहार को अच्छी तरह से समझ पाएँ, इसीलिए हमें भारतीय जितने भी संस्थाएं हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है। तो उसी प्रयास में हमने आज ये संगोष्ठी का आयोजन किया है। धन्यवाद।